भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसर अपने सामने आ गए हैं। देश भर के 103 अफसरों ने 25 दिसंबर 2022 को सांसद द्वारा दिए गए अपने घरों में हथियार रखने के बयान को लेकर लोकसभा स्पीकर को शिकायत की थी, जिसके बाद आज सांसद ने रिटायर्ड अफसरों को जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले अपने गिरेबान में झांक कर देखें, जनता को बताएं क्या अच्छा है, क्या सही है, कानूनी क्या है, गैर कानूनी क्या है। देश में तमाम विचारधारा के लोग रहते हैं और यदि मैंने महिलाओं की, लड़कियों की सुरक्षा के लिए उनके अधिकारों की याद दिलाई तो इसमें उनको तकलीफ होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया, भारत का विभाजन हो गया, अब भारत को खंडित नहीं होने देंगे। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि भोपाल में मुख्यमंत्री कार्यालय है, पूरे प्रदेश से या देश से लोग यहाँ आते हैं, मुख्यमंत्री के पास लोग यहाँ आते हैं। मैं सांसद हूँ, प्रदेश का नेतृत्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं। यदि मुझे किसी कार्यक्रम में बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगी, पर हर कार्यक्रम में मैं पहुंच जाऊं स्वयं से ये मेरे लिए उपयुक्त नहीं है और उचित भी नहीं है, अधिकृत भी नहीं है। इसलिए यदि वे मुझे आमंत्रित करते हैं तो मैं जाती हूँ, उनकी बातें सुनती हूँ। उनकी अपेक्षा मुझसे नहीं है, उनकी अपेक्षा जिनसे भी वे कर रहे हैं उनके लिए अधिकृत है, वही उनको पूरा करेंगे। हम भोपाल के हैं, इसे जानकारी निश्चित रूप से रहती है, लेकिन मांग क्या है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, मेरे पास अधिकृत जानकारी होना चाहिए। मोहन भागवत के बयान पर सांसद ने कहा कि भारत जब स्वतंत्र हुआ धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया, भारत का विभाजन हो गया, अब भारत को खंडित नहीं होने देंगे। और जो लोग भारत में रहे वो लोग इस बात पर रहे कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, उनको भी अधिकार है। यदि देश हित को राष्ट्रहित सर्वोपरि मानकर यहाँ रहेंगे तो निश्चित रूप से चाहे वे कोई भी हो वे यहाँ निवास कर सकते हैं। अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ के शास्त्रों में परंपरा है, यहाँ पर रह सकते हैं, परंतु जिस प्रकार से ये भारत देश और विचारधारा अलग है, ये खाना पीना और गुनगाना किसी और देश का कहीं और कुछ होता है। वहाँ का पक्ष लेना, देश को गलत बोलना, ये स्वीकार्य किसी को भी नहीं होगा जो भी देशभक्त होगा। भारत जब स्वतंत्र हुआ धर्म के आधार पर पाकिस्तान बन गया, भारत का विभाजन हो गया, अब भारत को खंडित नहीं कर सकते, खंडित नहीं होने देंगे। और जो लोग भारत में रहे वो इस बात पर रहे कि ये लोकतंत्रात्मक देश है, उनको भी अधिकार है, परंतु यदि देश के पक्ष में, देश के हित में, देश हित राष्ट्र हित राष्ट्र सर्वोपरि को मान करके यहाँ रहेंगे तो निश्चित रूप से चाहे कोई भी हो वह यहाँ निवास कर सकता है। अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ की शास्त्रोक्त परंपरा है, उसमें रह सकते हैं, परंतु जिस प्रकार से अलग ये हमारा देश और विचाराधारा अलग, यहाँ का कार्य, यहाँ खाना पीना और गुणगान किसी और देश के, कहीं और कुछ होता है तो वहाँ क्या पक्ष लेना और देश को हमारे को गलत बोलना, ये स्वीकार किसी को भी नहीं होगा, जो भी देशभक्त होगा उसको। डिपार्टमेंट बीएसएनएल का है तो ये सरकार के द्वारा सदस्य नियुक्त होते हैं। भोपाल में बीएसएनएल की व्यवस्थाओं को सुसंचालित स्वरूप से सुसंचालित करने के लिए एक टीम गठित होती है, जिस टीम में विभिन्न सदस्य बनते हैं, उन सदस्यों को हम सम्मान कर रहे हैं और वो अपने जिस विभाग के वो सदस्य नियुक्त हुए हैं उस विभाग के लिए मजबूती से खड़े हों, मजबूती से उस विभाग की समस्याओं का निदान करने में सहयोग करें और अच्छे से कार्य करें, विभाग को सहयोग करें और जनता के लिए समर्पित होकर के कार्य करें, जनता की समस्याओं का भी समाधान करें उस विभाग से संबंधित। हमारे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की, जिन्होंने चार पीठों की स्थापना की, चार मठों की स्थापना की, उनमें एक मठ जोशी मठ है, बहुत महत्वपूर्ण हिमालय पर है, उसमें अभी प्राकृतिक दृष्टि से जो भी वहां परिवर्तन हो रहा है, वहां सभी को संयम और
बड़ी धैर्यता से उसका सामना भी करना है और अपनी भावना को बनाए भी रखना है, कहीं भी किसी प्रकार से उनको उद्वेलित नहीं होना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, अनर्गल प्रलाप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां पूरी तरह से रेस्क्यू करने का और व्यवस्थाएं करने का, उनको सुरक्षित रखने का, वहां के लोगों को सुरक्षित रखने का, मठ को सुरक्षित रखने का पूरा संकल्प लिया और प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग इस प्राकृतिक आपदा को थोड़ा सा उसी रूप में लें, मुझे लगता है इसमें किसी प्रकार की कोई विवाद की आवश्यकता नहीं है।